ये मामा की सुंदर सीधा पापा आ गए पापा आ गई। बेचारी को ये वाली टी शर्ट पहना के लेके थी वो हमेशा स्कूल। इसको दो टी शर्ट है बहुत है बट वो हाफ स्लीव है ना तो वो मच्छर की वजह से यार मुझे डर लगता है। मच्छर को क्या बोलते हैं? मॉस्किटो। मॉस्किटो को हट कर दो। देख एक किचू का दे पहले ना एक लड्डू लिप्स पे लिप्स पे ये लिप है मेरे एक और वन मोर बटरफ्लाई। गाड़ी में मैं नहीं आता हूँ फिर वो लोग आना छोड़ देंगे। वो एक्चुअली में हुआ ना उनका एक होता है कि आप कभी कभी किसी को मील ला के दे देते हो एक होता है कि उनकी मील जो है वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर। वो कभी कभी नहीं है आप डेली करते हो ना उनके साथ। वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर मैं इधर नहीं हूँ शहर में तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में संजय उसको बोल के जाना पड़ता है उनको कुछ खाने के लिए दे देना। तो आपकी वजह से हमको उसका सामना करना पड़ता है बार बार। अरे मैं आप ही भाई बुरा मत मान जाना मैं जोक मार रहा हूँ। हाँ एक सेकंड तो गाइस ये आया पार्सल आज हमारा एक। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक से हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11 और शिवन्या को हम लोग ड्रॉप करके आए हैं स्कूल में और मैंने ये कर रही अपनी ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करके ही गई थी और अभी बस साहिल नहा रहे हैं उनके लिए बना रही हूँ चावल थोड़े दम वाले चावल। पता नहीं आपको पता होंगे कि नहीं पता हो दही डाल के मतलब बताती हूँ आपको कैसे बना रही हूँ। और बस ये यहाँ पे आया है हमारा एक पार्सल। वजन तो बड़ा कट है वजन कम लग रहा है खोलो नहीं मैं दम चावल बनाने हैं मामा मैं बना देती हूँ वही रेड वाले चोल क्या ये खुल रहा है पार्सल और पीछे से बर्तनों की आवाज इतनी आ रही है ना उसको अवॉइड करना दीदी गुस्से चे आज। ये वैसा ही है जैसे मैंने कुर्ता मंगवाया अभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। नहीं आए हैं दो सूट जो कि माँ ने ऑर्डर किए हैं। आप सब मुझे पूछते हो ना कि मैम आप कपड़े कहाँ से लेते हो? यहाँ से ये यहाँ से लेती हूँ कपड़े बिकॉज मम्मा ही मेरे लिए शॉपिंग करती है। मैं अपने लिए शॉपिंग बहुत कम करती हूँ बहुत रेयर करती हूँ मतलब करती हूँ बट ये जो सूट वूट होते हैं ना ये सारे मम्मा ही शॉप करते हैं। मम्मी के चक्कर और ये देखो प्रिटी ब्यूटीफुल सूट कैसा है अम्मा कपड़ा तो ठीक लगता है साफ साफ। ये देखो इसकी नेट ये यहाँ पे बाजू में कुछ इस तरह से डिज़ाइन है ये ए शेप में है ना शर्ट और ये इसका प्लाजो प्लाजो में भी एंड में वो है लेस लगी हुई है पाएंगे देखिए दुपट्टा इसका कपड़ा ठीक लगा
सॉफ्ट है, पतली कॉटन कॉटन तो है, सॉफ्ट तो है। ए लाइन कुर्ता ना, अभी नहा के डालती हूँ, चेक कर लेती हूँ। और ये है दूसरा सूट। मेरे को ना मैक्सिमम सूट ऐसे ही अच्छे लगते हैं, वाइटिश हो जिसमें, बट ये वाला किया था हमने, यही किया था मम्मी। ये भी देखो, आपको ऐसे करके दिखाती हूँ मम्मी, ये तो आपको भी आ जाना चाहिए, नहीं आएगा ये देखो, ये तो सुंदर लग रहा है। तो लंबी भी अच्छी लगती है। अच्छा, अफगानी सलवार है ना इसमें। ये हमने ऑर्डर किया अफगानी सलवार, साथ में इसका दुपट्टा है, वो भी इसी प्रिंट का है। गुड सूट है, नाइस। दूसरा वाला ये किसी ने अगर सूट खरीदने हो ना, हमसे कांटेक्ट करें। हमारे पास दो सूट हैं। हाँ, अरे खुला तो है, ये टाइट होगा ना, ये खुला है। मैंने लगाया है सिर पे तेल, और बस अभी सिर वेर धोया नहीं, अभी नहाऊंगी मैं। एक्चुअली मैं गई थी शिवन्या को ड्रॉप करने, मैं और साहिल हम दोनों गए थे उसको ड्रॉप करके आए हैं, और चलो एडजस्ट तो कर रही है, कोशिश कर रही है वो एडजस्ट होने की स्कूल में। आज खुद बोल रही थी, मैं स्कूल में रोती नहीं हूँ मम्मा, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो बस अभी आए हैं पार्सल, जो आपको मैंने दिखा ही दिए हैं, बट अभी बस साहिल फ्रेश होकर बाहर आएंगे, तो उसके बाद मैं नहाऊंगी। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, आज पर 8 बजे के करीब फिर मैंने लगाया था तेल अपने बालों में ना, यहाँ पे पूरा स्कैल्प पे अपना ऑयलिंग किया। वैसे मैं नहीं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, बट फिर भी अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 हफ्ते में एक बार लगाई लूँ, या महीने में 2 बार लगाई लूँ। तो बस ब्रेकफास्ट मैंने कर ली है, आज मैंने पिया है अपना बनाना शेक, और अभी करूँगी अपना रूम ठीक। थोड़ा सा रूम ठीक करने के बाद आपको मिलती हूँ मैं नहा के फ्रेश हो, तब तक टाइम हो जाना शिवन्या को लाने का, फिर उसको भी लेकर आएंगे। सो गाइस, मैंने पहले ही बोला था ना, हमारे घर में कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हमारे घर में ना कोई पार्सल नहीं आता है। तो अभी एक सुबह पार्सल आया है, जो आप लोगों के सामने मैंने अनबॉक्स करवाया मम्मा से, और एक ये पार्सल आया है आज। ये एक्चुअली शिवन्या के लिए है, बिकॉज उसको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है स्पाइडरमैन की, और स्पाइडरमैन को वो पॉकीमान बोलती है, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है उसको उसकी। सो मैंने मंगवाया है उसके लिए ये वाला बैग, जिसमें कि ये स्पाइडरमैन का थोड़ा सा फेस बना हुआ है, एंड बहुत ही सस्ता आया है, मतलब अंडर 300 आपको ये मिल जाएगा, 200 कुछ का है। तो वॉशेबल भी है, जिसमें एक यहाँ पे है जिप, अच्छी है को, मतलब ठीक है यार, वरना 250-300 में और आपको क्या ही मिलेगा। नॉट बैड, ठीक है, इतना अच्छा नहीं है इसकी क्वालिटी, बट ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए ठीक है। और साथ में है ये टिफिन बॉक्स, जिसमें इस तरह से पांडा बने हुए हैं कुछ, और ये अंदर से इसका पार्टीशन है, ये छोटी सब्जी डालने के लिए। और साथ में मिला है एक स्पून, एक फोक, ये 2-in-1 है, और साथ में आई है इसकी वाटर बॉटल। एक्चुअली मैंने पॉकीमान वाली ही मंगवाई थी, बट वो आई नहीं है, और उसके बदले ये आ गई है, बट ठीक है, समथिंग इज डिफरेंट। इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट ठीक है, मतलब अच्छा।
अच्छा ये इसका वो है स्ट्रॉ, ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है वैसे, ठीक है यार, खुश हो जाएगी नई चीज़ देखकर, क्योंकि उसको ना बहुत पॉकीमान इतना करती है वो, तो मैंने कहा चलो यार उसके लिए ये ऑर्डर ही कर दूँ। उस दिन मैं देख रही थी तो मुझे कुछ नहीं मिला अच्छा सा कुछ, कि मतलब बाहर जाना तो हो नहीं पाता, अभी बाहर जाऊँ और इसके लिए कुछ अच्छा स्पाइडर मैन वाला बैग लेकर आऊँ, बट चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। मतलब मैं अगर इसको नंबर दे रहा हूँ ना 10 में से तो आई विल गिव 7। बारह 40 हो रहे हैं और बस अभी मैं जा रही हूँ उसको लेने, और ये मैंने साथ में ही ले ली है बहुत खुश हो जाएगी इसको देखकर, तो बस अभी मैं जा रही हूँ और पहुँचते मुझे मतलब 10 मिनट का मैं एक हो ही जाएंगे वहाँ पे। अरे यार ये लिफ्ट क्या ऊपर चले गए, अभी लिफ्ट आएगी तो पार्किंग में इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही होती है ना, मज़ा आ जाता है कसम से, मतलब आगे पीछे तो बहुत धूप है बट यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है ना। विजयन इसमें क्या है, वाटर बॉटल, वाओ इसमें टिफिन, वाओ अरे कल फिनिश हो गया, ले लो पॉकीमॉन, ले लो आप, ले लो आपके लिए लाई मम्मा पॉकीमॉन, अच्छा ठीक है ले लो, ही कल दो मुझे, मैं आप हैप्पी हो, थैंक यू, वेलकम, कैसा लगा आपको, हाउ इज इट, इट्स गुड, ओके, पिकू का न्यू टिफिन, हाँ जी अच्छा लगा आपको, कितना अच्छा लगा था, अरे वाह, नाउ पिकू इज हैप्पी, मैंने बहुत खुश हुई है ये देखकर, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाई, मेरे को भी काली होती है ना कि मैं उसको दिखाऊं पहले, तो शी इज हैप्पी कि उसका पॉकीमॉन आ गया, क्या बेटा अभी खोल देती है मम्मी, ये लो सारे थोड़ी ना खोलने हैं बेटा, ये घर जाके करेंगे ना, सारे नहीं खोलने अभी, आपने तो शाड़े ही खोल दिए, अब हम इसमें चीची डालेंगे घर जाके, फिर पिक्कू खाएगा, पिक्कू खाएगा है ना, अरे वाह, चलो मम्मी अरे पिक्कू खाएगी खाना, पिकू खाएगी खाना, अरे वाह मम्मी, ओए अरे पिकू खाएगी कैसे, तो ऐसे खाएगी पिकू को, अच्छा लगा, अच्छा लगा, कितना इतना अच्छा लगा, और ये स्पाइडर मैन, ये वाला पॉकीमैन, पॉकीमैन अब खाओगी मम्मा, पॉकीमैन को खाएगी, ये लो खिलाओ, ले लो ये लग दो, इसको स्पाइडर मैन की इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई है जितनी उसकी हुई है टिफिन बॉक्स की, मैं जा रही हूँ नीचे शिवन्या को लेकर क्योंकि वो जिद कर रही है उसको अपनी बुआ के पास जाना है, बुआ बैठी है उसकी सिंगापुर में, वो आ नहीं सकते अभी, बहुत जिद कर रही थी तो मैंने कहा चलो उसको नीचे थोड़ा सा चक्कर लगवा के लाती हूँ, हाँ
दी दूध लेने जा रही है, आप इधर आओ, आप इधर भागी भागी करो। ओ ये फूल गिर गया। दादी दूध लेने जा रही है बेटू। शिवन्या ने पूरा गाना गा दिया। तू कितनी अच्छी है, कितनी बोली है। कोई देखो व्हाइट फ्लोर, व्हाइट फ्लोर भी है वहां पे। कहाँ है व्हाइट फ्लावर्स? इधर ट्रीज है। ओह माय गॉड, वो देखो ऊपर मून। कहाँ है मून? मून दिखा? वो ऊपर दिख रहा है चंदा मामा, वो दिख रहा है। मून है। हाँ, क्या है? चंदा मामा। और गाइस इसको ना पता नहीं क्या हो गया है, इसके फेस पे यहाँ पे मच्छर ने काटा है, यहाँ पे मच्छर ने काटा है, यहाँ पे मच्छर ने काटा है। हाँ, चंदनिया, चंदारे, चंदारे मेरी पत्तियाँ ले जा, पत्तियाँ ले जा, लाडो को बतला देना। पता है जैसे ये हरकतें करती है ना, मेरी मम्मा बताते हैं मैं एग्जैक्टली ना बचपन में ऐसी हरकतें करती थी। मतलब मम्मा को बोलती थी मम्मा मुझे लोरी सुनाओ, और यस मून है पिकू की, गा के बताती थी मम्मा ये वाला मुझे लोरी सुनाओ या कुछ, मतलब कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करती है ना। अब मेरा बचपन तो मेरी मम्मा ने अच्छे से देखा, मैंने तो देखा नहीं है। तो मुझे बोलते जब भी कोई कोई ऐसी हरकतें करती है ना, मम्मी कहती है हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है छोटी नन्नी वापस आ गई है। तो बहुत प्यारा लगता है, मतलब अच्छा लगता है ना जब आप ही का जो अंश है वो आप ही के जैसा हो, तो अच्छा लगता है। बागी करो, आप कह रहे थे मैंने बागी करनी है। भाई आया गिफ्ट जो साहिल लाया अपनी पुत्री के लिए। आया शिवन्या के लिए आज गिफ्ट। उसने खुश है ना, उसने बोला मामा बटरफ्लाई, ऊपर बटरफ्लाईज भी बनी है। क्या ला रहे हैं पापा? सरप्राइज। किसका सरप्राइज? पिकू का। वाओ पापा सरप्राइज लाए आपके लिए, ले लो। वहां देखो ना सामने जहाँ पे इसके टॉयज हैं। थोड़ा आगे पीछे भी देखना होता है ना, क्या बोल रहे हो? पिक्कू इस पे बटरफ्लाई भी बनी है। बटरफ्लाई बनी है। से थैंक्स टू पापा। थैंक यू। क्या ये? गिफ्ट। वेरी गुड। ये नहीं पता है आपको। आप खोलो। यहाँ से खोलो, यहाँ से ऐसे करके खोलो। वेरी गुड। बटरफ्लाई बाहर आई है, देखो ये, देखो बटरफ्लाई ये। अच्छा मम्मा खोल दो। खोल दो इसको मुझे। ये किचका है। इसके ऊपर पोकेमोन को खड़ा करो, दिखाओ ये पकड़ो। अच्छा देखो 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 पोकेमोन कैसे चलेगा, देखो ऐसे नहीं पापा चलाएंगे। ओ वाओ पिकू देखो पोकेमोन ने स्केट्स डाले हैं। ओ आ जा ये मेरे लड्डू का बड़ा सुंदर पोकेमोन है। ओ
शिवन्या आर यू हैप्पी? और गाइस मैं स्पेशली बोल रही हूँ प्रिया के लिए, बिकॉज वो मुझे हर व्लॉग में कमेंट करती है कि दी अपना होम टूर दो, अपना होम टूर दो। तो मतलब अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता, जिस दिन साहिल घर पे होंगे ना उस दिन डेफिनेटली मैं अपना पूरा होम टूर दूंगी, बट अभी ना अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब क्या हो गया, क्या हुआ गिरी? तो डेफिनेटली मैं अपना मतलब मे बी इसी मंथ कभी भी जब भी टाइम मिला जिस दिन भी साहिल घर पे होना तो मैं डेफिनेटली अपना होम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे मामा ने चपाती बना दी थी, मैं बना रही थी सब्जी, और उसके बाद हमने खाना वाना खाया, अपना डिनर किया, और बस ये था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोहोत्रा, और कल मिलूंगी आपके साथ फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड और स्टे हैप्पी, और हाँ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल।